अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज देखे मेरा लुक, बारात का लुक जो मैं तैयार हुई थी पार्लर से। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और आज है शादी मेरी कज़न की। ये देखिए प्लेट वगैरह सज रही हैं क्योंकि बारात आने वाली है, अभी आई नहीं है, आने वाली है। और यहाँ दुल्हन के पोज वगैरह लिए जा रहे हैं, मूवी वाला अभी उससे इतनी देर से पोज ले रहा था। और यहाँ हमारी आंटी वगैरह और बासिदा और खिजर वगैरह ये सब मुस्कान वगैरह वीडियो फ़ोटो वगैरह सब ले रही थी। मैंने भी ली थी काफ़ी, टिकटॉक भी बनाई है मैंने। और ये आज हमारे आए हैं अब्बू, बड़े सालों बाद किसी की शादी में, वरना ये किसी की भी शादी में नहीं जाते। तो फरिया ने जो है ना इन्हें ख़ास तौर पे इनवाइट करा था, जिसकी शादी थी ना, तो ये फिर चले गए थे, वरना ये जाने को मना कर देते। और यहाँ आ चुकी है बारात, ये देखें ये फूलों की प्लेट वगैरह सब हम लोग ले कर खड़े हैं। फेस तो मैं नहीं दिखा सकती, आप लोग बस ऐसे ही देख लें। और यहाँ हो रही है अब गेट रुकाई, जो कि दुल्हन का भाई करता है। अब सलमान बैठेगा इधर, ये देखें सलमान आ चुका है। अब ये इनके बहनों ये पता नहीं कौन ही उतरे, और ये सलमान बैठ गया है। और इसे शायद पता नहीं कितने पैसे मिले थे, लेकिन गेट रुकाई हुई थी। तो लो जी, काफ़ी देर बहस होने के बाद गेट रुकाए के पैसे मिल चुके थे। और अभी दूल्हा उतर रहा है अपनी गाड़ी से। और यहाँ पर बैठे ये सारे कज़न आपस में, हसीब, खिजर, बासित और यहाँ सब हम लोग बैठे हुए थे। और यहाँ हमारी निम्मो भी बैठी हुई थी, ये देखिए मैंने इस आवाज़ लगाई थी ना, तभी मुड़ के देख रही थी। और यहाँ मुस्कान बना रही थी आलियन की वीडियो, ऐसे शर्म आ रही है, बार बार भाग रहे, लेकिन वो ज़बरदस्ती बना रही है। देखो बोलिए ऐसे बनाए से ये देखो इसका मुँह। ये देखिए जी, यहाँ आ रहे थे बराती है, जो कि इनके घर वाले बहनों ही हैं, कौन है, कज़न वगैरह सब डांस करते हुए लेकर आ रहे थे दूल्हा को। इसकी शादी में डांस बहुत कर रहे सबने। और ये हो रही है दुल्हन की एंट्री, जो कि इसकी बहनें कर रही हैं। ये देखिए जी, अब ये लोग जा रहे हैं स्टेज पर। तो आवाज़ मैंने म्यूट करी हुई थी क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर हो जाते इस वजह से। ये देखिए जी, बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे। और यहाँ अभी हो रही है इनकी पोज वगैरह लिए जा रहे हैं। ये छतरी वाला अम्ब्रेला वाला जो है ना, ये बहुत आम सा हो गया, बहुत जहाँ जाते ना वहीं जो है ना ये वाले पोज लिए जाते हैं, देख देख के भी दिल भर गया। अब तो बहुत अच्छे अच्छे पोज चल रहे हैं, लेकिन जहाँ जाओ यही देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी लगती है, स्नो ऊपर से आती है ना, अच्छी लगती है। ये देखिए जी, उन्हें इनको देखना ही नहीं है।
इतना गंदा कर लिया इनने। तो यहाँ बैठी हैं दुल्हन की मम्मा और पापा, ये लोग रस्म कर रहे थे, घड़ी वड़ी पहनाई थी पापा ने, और ये हसीब और सलमान बैठे हैं, घर वाले हैं सब, और यहाँ दुल्हन की भाभियाँ बैठी हैं यानी कि मैं और दूसरी वाली इनकी भाभी, वो भी मेरी कज़न ही है, और यहाँ हैं मुन्नी आंटी जो कि वीडियो वगैरह मतलब मूवी बनवा रही थी खड़े होके। अब यहाँ मेरी मम्मा आई है, ये देखें मैंने भी इस तरह की वीडियो बनाई है, लेकिन उसकी शायद मैंने वीडियो नहीं बना पाई, और ये सारे कज़न वज़न हैं जो ये साथ में खड़े हुए हैं दुल्हन के, मूवी बना रहे थे। और अब यहाँ मैंने ये दिखाई आपको, ये देखें रश कितना है। मैंने वैसे तो मेरे को पता था कि रश बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा आवाम थी, जब मैं स्टेज पे खड़े होकर मैंने देखा, मैंने अब यार ऐसा लग रहा है जैसे कहीं लंगर वंगर बट रहा हो, ऐसा रश हो रहा था, एक ही एक जगह जो है ना फुल चल रही थी। और यहाँ हमारी मोमानी हैं और मामू हैं, यानी मेरी मम्मा की मोमानी की बहू और बेटे। और इसके बाद हम लोग नहीं बल्कि दुल्हन और दूल्हा को खाना खिला रहे थे, हम तो एंड में खाएंगे रुखसती के बाद। ये देखें ये दुल्हन की मम्मा है और दूल्हा दुल्हनी है, वहाँ कोने पे मेरी मम्मा बैठी हैं। और अब यहाँ और ये जूता छुपाई की रस्म जो कि बड़ी ही मुश्किलों से करी, मतलब इतना टाइम नहीं था, पता नहीं क्या किस चीज़ में लग गए थे, तो जल्दी जल्दी में बस ऐसे ही कर ली थी। तो यहाँ मिले थे जूता छुपाई के, पता नहीं 2000 मिले थे कितने इसके मुझे नहीं मालूम। और अब यहाँ और ये रुखसती की तैयारी, सेहराबंदी भी हो चुकी है, ये भाई वगैरह इसके सेहरा बांध रहे हैं। अब आ गया है रोने का टाइम, लेकिन किसी ने रोने नहीं दिया, क्योंकि जब पार्लर जा रही थी ना तभी सब मिल लिए थे, रो लिए थे, क्योंकि अब ये चल गया ना रिवाज के पहले ही रो लो, तैयार होने के बाद मेकअप ख़राब हो जाता है, तो किसी ने रोने नहीं दिया था, तो इस वजह से ना बस सबको ऐसे ही मिला लिया था गले, बस रोने किसी को नहीं दिया था। और अब टाइम आ गया है दुल्हन को भेजने का, तो यहाँ ये कुरान पाक के साए में होती है, मुसलमानों में जो हम लोग कहते हैं कुरान पाक के साए में लड़की को विदा करते हैं, तो ये वही टाइम था। अब यहाँ बिठा रहे हैं हम अपनी बहन को कार में उसके घर भेजने के लिए, उसके असली घर जो कि उसका अपना होगा, माँ बाप का घर तो पराया ही होता है। अब ये जा रही है अपने असली घर, बस अल्लाह पाक इनको खुश रखे, इनको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए और बस इनको खुश रखे, इनकी ज़िंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ आए, बस अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे और इनको खुशियाँ दिखाए, आमीन। और देखें अब ये जा रही है, इसके बाद हम लोग खाना खाने बैठेंगे, हम अपने फर्ज से अदा हो चुके हैं। भाई आपने खाना खाया कहाँ पर? अच्छा अभी हम भी खाना खा रहे हैं, और ये हमारे लिए लग चुका है डिनर, और ये मम्मा बैठी हैं, यहाँ हमारी सोनिया भी बैठी हुई है, और ये खिजर भाई आ गए, हम बैठे हुए हैं, इतनी गर्मी लग रही है, थक गई मैं तो। देखिए जी ये देखिए गिलास, गिलास में मेरी बेगम की जो कोल्ड ड्रिंक रखी है, अपनी बेगम का मुंह हटा लीजिए, मैं सियाजी को बुलाऊंगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, और आपकी बेगम ने चावल है ना, ये है ऐसे रंगी थोड़े से दो सादी नहीं रंगी हम आपको इंक्वायरी करके बताएंगे ये बोतल गई तो गई कहाँ। इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, सीबीआई को बुलाऊंगा, पुलिस को बुलाऊंगा, अदालत को बुलाऊंगा। जी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अब हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, क्योंकि सुबह से अब मैंने खाना खाया है, सुबह का नाश्ता करा हुआ था सिर्फ,
तो अब सबको फारिग कर करा के फिर हमने खाना खाया है और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। मेरी वीडियो अगर आपको नहीं मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।